नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि गौमूत्र के अंदर ऐसा क्या क्या होता है जो CDRI लेबोरेटरी में एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक रोग से लड़ने की क्षमता इस गौमूत्र में है। ऐसा क्या क्या है? CDRI का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, तो वहाँ पर ये दिया गया। तो उन लोगों ने इसका रिजल्ट निकाला है और उन्होंने बताया है कि इसमें क्या क्या होता है, जो कि हमारे शरीर में क्या क्या काम आता है और कौन सा तत्व पाया जाता है, वो किस काम में आता है, इन सभी विषयों की जानकारी दी है। तो उन्होंने बताया है कि नाइट्रोजन इसमें होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ये होता है मूत्राशय संबंधी समस्त समस्याओं का ये समाधान करता है, जैसे कि मूत्राशय में मतलब तकलीफ से निकलना, देर में निकलना, धीरे धीरे निकलना और जलन होना, ये सारी समस्याओं को ये ठीक करता है। इसके बाद होता है इसमें गंधक, सल्फर, सल्फर भी होता है। तो ये जो होता है ये बड़ी आंत को अंदर बाहर से एकदम साफ करता है और ये रक्त को ठीक करता है और बैक्टीरिया का नाश करता है। गंधक जो होता है वो बैक्टीरिया नाशक होता है। तो इसका और होता है इसमें अमोनिया गैस या फेफड़ों को, श्वसन अंगों को, इन सभी को संक्रमण से बचाता है, जिससे कि हमारे सांस लेने में कोई भी तकलीफ होती है, जैसे कि सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी, अब मैं पूरी बात को लेते हुए मैं बात करूंगा, सांस की बीमारी है तो उसमें क्या होता है कि सांस की बीमारी में जो हमारी सांस हवा वायु वाहिकाएं जो होती हैं वो हमारी रक्त की एसिडिटी बढ़ने के कारण वो सूज जाती, मोटी हो जाती, सूजती हैं। तो क्योंकि वाहिकाएं हैं, अंदर भी जगह है, बाहर तो है, तो जब सूजेंगी तो बाहर कम फैलती, अंदर की तरफ समेट जाती हैं। तो जो हमें सांस जाने की जगह होती है वो छोटी पड़ गई। अब हमें ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी पहुँच नहीं रही, क्योंकि रास्ता बंद है। अब उस रास्ता को ठीक करने के लिए वो नली जो है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि खुली रहे, ताकि आसानी से जाए। तो इसके लिए भी गौमूत्र पिलाते हैं। और मैंने कम से कम 15 दिन में जो तड़पते हुए सांस के रोगी थे उनको मैंने ठीक किया है, और इसके उदाहरण मैंने राजस्थान में देखे हैं। तो ये अमोनिया गैस का काम होता है, फेफड़े और श्वसन अंग को ये संक्रमण से बचाता है और इसको ठीक करता है। और इसमें होता है करक्यूमिन। आप देखना चाहते हैं करक्यूमिन, अनुभव करना चाहते हैं, मैं बताऊं। करक्यूमिन देखने के लिए जैसे कि हल्दी है, हल्दी में भी करक्यूमिन होता है, अदरक है, इसमें करक्यूमिन नहीं होता है, गौमूत्र इसमें करक्यूमिन होता है। अब हल्दी और गौमूत्र में एक समानता होती है, आप अनुभव ध्यान से देखना, हल्दी पीली होती है तो गौमूत्र भी पीला होता है। गिलास में भरना, कांच के गिलास में, और ऐसे देखना रख के, तो वो जो भी होगा वो पीला हल्का हल्का होगा। तो वो पीला जो रंग होता है वो करक्यूमिन का होता है, चाहे वो हल्दी हो चाहे गौमूत्र हो। अब ये हमारे किस काम आता है? ये हमारे अंदर कैंसर के सेल को समाप्त करने का एकमात्र केमिकल है, जो कि ये करक्यूमिन है, और ये गौमूत्र में होता है। इसका परीक्षण बहुत सी जगह पर किया गया है, तो इसका एकदम रिजल्ट पॉजिटिव आया है कैंसर वालों पर, कि ब्लड का कैंसर और मूत्रपिंड का कैंसर और यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनमें सब में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। जिसको कैंसर की भी समस्या हो और कुछ ना मिले, गौमूत्र के लिए पीना शुरू कर दे, गारंटी से उसको 6 से 8 महीने में कैंसर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पर एक सावधानी और बता दें, अगर जो उसने कीमोथेरेपी नहीं करवाई है तो करवा ली है तो फिर गौमूत्र से ठीक होने वाला नहीं है, क्षमा करना, अब आपका वो कैंसर नहीं ठीक होगा, आपको आपको लेके ही जाएगा। क्योंकि कैंसर की बीमारी से आप नहीं मरेंगे, वो कीमोथेरेपी से हम मरेंगे, तो ये समस्या, इसलिए कीमोथेरेपी ना हो। तो इसमें करक्यूमिन भी होता है, इसमें तांबा होता है,
तो ये हमारे एक्स्ट्रा जो मेद बनती है, चर्बी बनती है जो हमारे शरीर में, इसको ये निकालने के काम आता है। इसका मतलब जो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हैं और ये क्या कहते हैं गौमूत्र पिएंगे तो बड़े आसानी से हम अपने मोटापा को कम कर लेंगे। एक बात और बात बता दें कि जो भी इसमें केमिकल मैं बता रहा हूँ, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो बता रहा हूँ, ये बड़े ही आसानी से डाइजेस्टेबल हैं। विशेष बात ये है, कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, होते हुए भी डाइजेस्ट नहीं होते। अब जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसका क्या काम, तो ये डाइजेस्टेबल होते इसलिए ज़्यादा काम करते हो, और जो जाता है एक एक तत्व शरीर में तुरंत काम आता है। तो इसलिए ये तांबा है हमारे लिए मोटापा को कम करता है। आयरन रक्त में लाल कणिकाएं जो होती हैं उनको बढ़ाने में काम आता है और शक्ति में बढ़ोतरी करता है और शक्ति को बनाए रखता है। ये है हमारे आयरन माने लोहे का काम। आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर में आयरन भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी है, माने हर तत्व पाया जाता है शरीर में, तो आयरन में इसमें भी होता है, तो वो हमारे लिए काम आता है। अब इसमें यूरिया होती है, तो यूरिया जो होती है हमारे शरीर में ये भी काम आने वाली चीज़ है। मूत्र उपसर्ग पर प्रभाव करता है और कीटाणु नाशक होता है। जितने हमारे कीटाणु एक्स्ट्रा जो बनते हैं ज़रूरत के नहीं हैं और ये सब हमारे नष्ट करने के काम आता है, ये यूरिया का काम है। अब यूरिक एसिड हृदय शोथ नाशक और पेशाब वगैरह की समस्याओं में भी ये काम आता है, तो ये हृदय को भी ठीक रखता है। ये है हमारे यूरिक एसिड का काम। और फॉस्फेट होता है, ये मूत्रवाही स्थान में सिकता कण, मैंने अभी एक बात आपसे कह दिया था, सिकता माने होता है बालू, बालू माने पत्थर का वो बारीक टुकड़ा जो आसानी से हम पकड़ ना सकें, तो बारीक से बारीक पत्थर के टुकड़ों को ये काटता है। मैंने क्या कहा था कि अगर जो मूत्रपिंड में पथरी है गौमूत्र पियो, आपकी पथरी निश्चित निकल जाएगी। तो उसका एक दूसरा केमिकल भी ये आ गया, तो ये है फास्फेट, जो कि ये हमारे पथरी कण को निकाल करके बाहर करता है, इसका ये काम है। इसमें सोडियम होता है, सोडियम रक्त शोधक होता है, अम्ल नाशक होता है। अम्ल माने HCl हमारे पेट में बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हालांकि काम के लिए होता है, लेकिन इसको लार के साथ अगर जो न्यूट्रल ना किया जाए तो नुकसान भी देगा। तो वो जो अम्ल होता है, तो ये रक्त, ये सोडियम हमारे रक्त को सही करता है और वो अम्ल को भी नष्ट करता रहता है, और ब्लड में जो एसिडिटी आ जाती है उसको भी ये कम करता है, और रक्त शोधक का मतलब रक्त की भी एसिडिटी समाप्त करता है। पोटेशियम होता है, आम बात नाशक होता है और क्षुधाकारक होता है, मांसपेशियों में जो दुर्बलता आती है उसको दूर रखता है, और ये भूख वगैरह इससे बहुत अच्छी लगती है, और इससे जिसको मतलब ये है कि जो व्यक्ति शिकायत करते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, आप 3 दिन गौमूत्र पियेंगे 50-50 ग्राम, आपको बहुत बढ़िया भूख लगने लगे शुरू हो जाएगी। और इसमें मैग्नीशियम होता है, ये जीवाणुनाशक कीट के बढ़ने से रोकता है और गैंग्रीन आदि से ये हमेशा बचाता है। गैंग्रीन वगैरह हो गया तो इससे हमेशा ये बचाएगा, तो गैंग्रीन से बचाने के लिए मैग्नीज जो मैंने बताया, मैग्नीज, तो अभी क्या जिस व्यक्ति को गैंग्रीन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे गैंग्रीन को गौमूत्र से धोने को कह देते, नहीं तो कपड़े में लगा के उसमें लगाने को कह देते। कोई भी घाव है बड़ी आसानी से भरेगा, इसका मैंने बहुत परीक्षण किया है, आप भी जब करना चाहो तो कर लो। गैंग्रीन के लिए जैसे कि सर के मांस टपकने लगा, उसके लिए थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा कि गेंदा के फूल की पंखुड़ी, उसको पीसेंगे, चटनी ऐसी बनाएंगे उसमें क्या गौमूत्र में, और उसी में थोड़ी हल्दी डाल लेंगे
हल्दी डाल करके ये लगाएंगे तो निश्चित गैंग्रीन जैसी भयंकर बीमारी को ये ठीक करता है। ये मैंगनीज का काम होता है। कार्बोलिक एसिड यह जीवाणु नाशक होता है, इससे जीवाणु मरते हैं और कीटाणु जो भी होते हैं वो भी मरते हैं, और कीटाणु जो बनते हैं नए उनको बनने से बचाता है, और गैंग्रीन जैसी समस्या को ये भी लाभ करता है। गैंग्रीन के लिए मैंगनीज और कार्बोलिक एसिड ये दोनों काम करते हैं, ये इन दोनों के काम है। अब है कैल्शियम। कैल्शियम तो दुनिया जानती है, हड्डी को बढ़ाती है, हड्डी को मजबूत करे, हड्डी की सारी समस्याओं को दूर करे, दांत दर्द और जितने भी हड्डी से रिलेटेड जो भी दर्द है सबको ठीक करता है। ये कैल्शियम रक्त में भी शोधन करता है, रक्त को भी ठीक करता है और हड्डियों को बढ़िया बनाता है, और इसमें नमक भी होता है। इसके परीक्षण के लिए बता दूँ, अगर जो आप इसको पियेंगे तो पीने में नमकीन भी लगेगा, तो उसमें नमकीन लगेगा तो नमक होता है, तो नमक क्या होता है, दूषित व्रण, नाड़ी व्रण और मधुमेह आदि ये जंतु, इस जितनी समस्याएं हैं, व्रण, नाड़ी व्रण, मधुमेह आदि जितनी समस्याएं हैं इन सभी से, ये सभी विषमताओं से बचाता है और रक्त की अम्लता को दूर करता है और जीवाणुओं से ये रक्षा करता है। और इसके बाद इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आदि ई सब कुछ होते हैं, तो ये जो हमारे जीवन में विटामिन बी ये जीवन के तत्व के उत्साह में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, और ये सारे जितने तत्व हैं ये हमारे जीवन में उत्साह है, एकदम चंचलता बनाए, कोई कोई एकदम नींद आलस में रहता है तो उसके लिए है ये, तो उसके लिए यही है कि ये एकदम स्फूर्ति रखता है, रक्त को ठीक करता है और इसमें शक्ति बढ़ाए रखता है, और हमारे अस्थि माने हड्डियों को भी बहुत अच्छा बनाए रखता है और प्रजनन शक्ति बनाए रखता है आदि आदि इसका काम है। और अन्य मिनरल होते हैं जो कि हमारे लिए रोग प्रतिरोधक होते हैं, इनका ये काम होता है। और दुग्ध शर्करा भी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हल्की सी चीनी भी होती है, आप ध्यान दे पाओ, जब इसको पियेंगे, पीने के बाद जब ऊपर से पानी पियेंगे तो एकदम थोड़ा सा बारीक सा मीठा मीठा लगेगा, वो शर्करा होती है जो कि हमारे लिए बड़ी ही काम की होती है। ये मुख शोधक होता है और हृदय में ताकत देता है और स्वस्थ करता है और प्यास, घबराहट आदि को ये दूर रखता है, प्यास समय पे लगे, घबराहट ना हो, इस सभी बातों से ये बचाता है। जल, जल तो जीवन दाता है और ये हमारे लिए बहुत ही रक्त को तरल बनाए रखता है, ये ताप वगैरह इन सभी चीज़ों से बचाता है। एंजाइम्स होते हैं जो पाचन रस में, जो ये रस बनते हैं भोजन पचते समय, ये इसको बनाने में मदद करता है और ये इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत होती है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में ये बढ़ा देते हैं ये एंजाइम्स जितने होते हैं। हिप्यूरिक एसिड होता है, यह मूत्र द्वार के विशेष रूप से सभी जहर जितनी समस्याएं सबको बाहर निकालता रहता है। हार्मोन्स भी होते हैं, 8 महीने की अगर जो गाय हो तो इसमें हार्मोन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, और इसमें माने जिसको डिप्रेशन की समस्या हो और उसको 8 महीने की बछिया के यदि उसको गौमूत्र पिलाएंगे तो उसको डिप्रेशन से भी उसको हम आराम पा सकते हैं। अब उसमें होता है स्वर्ण क्षार, यह स्वर्ण क्षार होती है, यह रोग निरोधक होती है, शक्तिवर्धक होती है। इसमें स्वर्ण क्षार भी होता है जो कि घास फूस से गाय खाती है, गाय घास खाती है और घास ने जमीन से लिया, उसने घास ने अपने ऊपर धारण किया, फिर वही घास गाय ने खाई तो उस गाय तक पहुंच गई, तो वो स्वर्ण क्षार हमारे इसमें शरीर में आती है, वो हमारे लिए बड़े ही काम की होती है। तो इस प्रकार से इस गौमूत्र में 24 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सारे CDRI से ही
इसकी वो रिपोर्ट निकाली गई और उन्होंने ये बताया कि शरीर में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कि ये गौमूत्र ठीक ना कर पाए, कोई भी, बस इतना है बात और कफ को बड़े आसानी से ठीक करता है और पित्त जिसको हो तो थोड़ा पानी मिला के पी लो, पित्त भी बहुत अच्छा ठीक होता है। इस प्रकार से ये गौमूत्र बड़े ही हमारे शरीर के काम का होता है। इससे पता ये लगा कि इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने के कारण ही गौमूत्र हमारे लिए लाभकारी। नहीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।